हल्द्वानी में चल रही 2 दिवसीय बीजेपी की कार्य समिति का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित राज्य के कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद हैं। पूरे हुए और आज साल में भी 2 साल कार्य हुए हैं, जो देश किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है। उस संबंध में चर्चा हुई है, बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम है और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उन सभी पर चर्चा हुई विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे, बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दी हैं इस प्रार्थी से। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने CDS परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हम सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत बधाई। इस कार्य समिति बैठक में आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। इस दौरान अगले 15 दिन तक ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मन की बात का कार्यक्रम हमारा बूथ स्तर तक जाना है, तो सभी जिलाध्यक्षों से मन की बात बूथ स्तर तक ले जाए, उसको सार्वजनिक करें, तो उस पर भी हम लोगों ने एक बड़ी विस्तृत चर्चा की है। और इसके साथ साथ हमने जो एक बड़ा कार्यक्रम है कि जनसंपर्क का, सबको 75 घंटे जनसंपर्क करना, इस पर भी चर्चा है, जो हमारी जनसभाएं होने उस पर चर्चा। तो इस प्रकार से 20 ऐसे बिंदु थे जिन पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करके इनको हमने फाइनल किया कल कार्य समिति के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।